नमस्कार, मैं हूं नितेश उपाध्याय और आप देख रहे हैं स्टोरी हाउ। खबरों में आज क्या रहा दिन भर, कौन सी खबर रही हॉट टॉपिक, इन तमाम खबरों को हम आपको दिखाने जा रहे हैं इस बुलेटिन में। लोकसभा 2024 के बाद आज भारत में एक और चुनाव हुआ है। इस विधानसभा उपचुनाव में भारत के 7 राज्यों की कुल 13 सीटों पर आज मतदान हुआ, जिनमें से बिहार का रुपौली, मध्य प्रदेश का अमरवाड़ा, आज उत्तराखंड की बद्रीनाथ और मैंगलोर सीटों, पंजाब की जलंधर पश्चिम, रायगंज, राणाघाट दक्षिण, बगदा, बंगाल की मानिकतला, तमिलनाडु की विक्रमवंडी सीटों और हिमाचल प्रदेश की देहरा, हमीरपुर और नालागढ़ सीटों पर मतदान हो रहा है। इनमें से कई विधानसभा सीटें लोकसभा चुनाव के बाद खाली हो गई हैं और कुछ सीटें विधायकों के निधन के बाद भी खाली हुई हैं। इन विधानसभा उपचुनाव की घोषणा 14 जून को की गई थी और नॉमिनेशन फाइल करने की आखिरी तारीख 21 जून। चुनाव प्रक्रिया पूरी होने के बाद 13 जुलाई को चुनाव परिणाम घोषित किए जाएंगे। राजस्थान के वित्त मंत्री दिया कुमारी ने आज वित्त वर्ष 2025 के लिए राज्य के बजट पेश किया, जिसमें स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 27,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। साथ ही उन्होंने राज्य की 25 लाख ग्रामीण घरों में नल का पानी उपलब्ध कराने के लिए 15,000 करोड़ का प्रस्ताव रखा। वित्त मंत्री ने कहा कि अगले 5 साल में 4 लाख रिक्तियां भरी जाएंगी और युवाओं के लिए नीति बनाई जाएगी। इस बजट में 2 लाख परिवारों को बिजली देने का भी वादा किया गया है। बजट में यह भी कहा गया है कि पहली बार राज्य में 9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनाए जाएंगे और मेधावी स्कूली छात्रों को इंटरनेट के साथ मुफ्त टैबलेट उपलब्ध कराए जाएंगे। मुंबई की एक स्थानीय अदालत ने आज बीएमडब्ल्यू हिट एंड रन के मुख्य आरोपी मेहर शाह को 6 दिन की पुलिस हिरासत का निर्देश दिया है, जो 16 जुलाई को समाप्त होगी। सुनवाई के दौरान मुंबई पुलिस ने अदालत को बताया कि घटना के बाद कितने लोगों ने आरोपी की मदद की और करीब 3 दिन तक उसे छिपने में किसने मदद की, उसके बारे में जांच अभी भी जारी है। पुलिस ने यह भी कहा कि इसकी भी जांच की जा रही है कि आरोपी के पास वैध कार ड्राइविंग लाइसेंस है या नहीं। अपने पहले ऑस्ट्रियाई दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ऑस्ट्रियाई चांसलर कार्ल्स नेहमर के साथ ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां उन्होंने यूक्रेन में युद्ध और भारत ऑस्ट्रियाई रणनीतिक संबंधों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र और कानून के शासन जैसे मूल्यों में साझा मान्यताएं भारत और ऑस्ट्रिया के संबंधों की मजबूती नींव हैं। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि उन्होंने भारत ऑस्ट्रिया संबंधों को और मजबूत करने के लिए नई संभावनाओं पर चर्चा की है। साथ ही भारत और ऑस्ट्रिया अब बुनियादी ढांचे के विकास, नवीकरण ऊर्जा, हाइड्रोजन, जल और अपशिष्ट प्रबंधन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसे कई क्षेत्रों में भी एक साथ काम करते नजर आएंगे। महाराष्ट्र के हिंगोली में आज सुबह 4.5 तीव्रता का भूकंप आया। उस भूकंप का असर आसपास के नादेर, परभणी, छत्रपति संभाजीनगर और वाशिम गांव में भी देखा गया। नादेड़ जिला प्रशासन के अधिकारियों ने एक रिपोर्ट में कहा कि भूकंप सुबह लगभग 7:14 पर महसूस किया गया और इसका केंद्र हिंगोली के कलामुनरी तालुका के रठोड़ा टांडा में था। नादेड़ जिला प्रशासन की इस विज्ञप्ति में लोगों से अपने घरों की टिन की छतों पर रखे गए कपड़ों को जल्द से जल्द हटाने के लिए कहा गया है। दर्शकों को बता दें कि इसी साल मार्च में भी इस इलाके में 4.5 और 3.6 तीव्रता के भूकंप आए थे। आज दिल्ली की छतरपुर निर्वाचन क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के विधायक करतार सिंह तंवर, दिल्ली के पूर्व मंत्री और पटेल नगर से पूर्व विधायक राजकुमार आनंद और पटेल नगर की एक अन्य पूर्व विधायक वीना आनंद भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। दिल्ली के पार्टी मुख्यालय में वरिष्ठों की उपस्थिति में इन सभी नेताओं ने बीजेपी को ज्वाइन किया। दिल्ली भाजपा प्रमुख वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि दक्षिणी दिल्ली के सैद उल अजायब वार्ड में आप पार्षद उमेश सिंह फोगाट और कुछ अन्य आप सदस्य भी इस अवसर पर भगवा पार्टी में शामिल हुए हैं। इस कार्यक्रम में नेताओं के स्वागत के लिए भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह भी मौजूद रहे। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने आज हरियाणा सरकार को अंबाला के पास शंभू सीमा पर लगाए गए बैरिकेड्स को 1 सप्ताह के भीतर हटाने का आदेश दिया। फरवरी में जब संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा ने MSP की कानूनी गारंटी सहित विभिन्न मांगों के समर्थन में दिल्ली की ओर बढ़ने की घोषणा की,
तब हरियाणा सरकार ने अंबाला, नई दिल्ली और राष्ट्रीय राजमार्ग पर बैरिकेड्स लगाए थे। इसके बाद किसानों की ओर से एक पिटीशन दायर की गई और इसी पिटीशन के अनुसार पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने सरकार को बैरिकेड हटाने का निर्देश दिया। कोर्ट ने यह भी कहा कि ऐसी कानून व्यवस्था की स्थिति दोबारा पैदा नहीं होनी चाहिए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी अन्य खबरों के लिए आप देखते रहिए स्टोरी हाउ।